So good morning everyone. In the previous lecture we had studied about the various types of control systems available in the process control chapter. That is, first one was the open loop control system, the second one was this closed loop control system. In the open loop control system, if you look into the block diagram, हम देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या है कि एक सिर्फ control action के लिए एक हमारा एक बॉक्स है जिसमें हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं और हमको एक आउटपुट जनरेट हो रहा है. सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रोसेस कंट्रोल इन विच वी बेसिकली गिव द इनपुट एंड द आउटपुट इज बीइंग रिसीव्ड. बट दिस कंट्रोल सिस्टम, लेकिन ये जो कंट्रोल सिस्टम था ये हमारा उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा था. क्यों नहीं साबित हो रहा था? कि देयर कैन बी वेयर एंड टीयर इन द मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम. इसमें वेयर एंड टीयर हो सकता है जिसके कारण से जो हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलता है. सो फॉर दैट पर्पज वॉट वी डू, मतलब द साइंटिस्ट अप्रोच टू द न्यू काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम, दैट इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं. हम लोग इनपुट जो दे रहे हैं वो एक कंपैरेटर या डिटेक्टर में सबसे पहले जाता है, जिसमें वो उसमें ये हमको समझ में आता है कि चीज़ें जो हम लोग आउटपुट में चाह रहे हैं उसके हिसाब से इनपुट हम लोग जो है वो प्रॉपर है कि नहीं. अगर वो प्रॉपर होता है तो देखिए एरर जो है वो यहाँ पर रुक के फिर कंट्रोल एक्शन के पास आगे मूव होता है. कंट्रोल एक्शन के बाद भी अगर आउटपुट जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो अगेन इट इज़ फीडबैक गिवन टू द फीडबैक एलिमेंट, जहाँ वो फिर से हमारा फीडबैक एलिमेंट के थ्रू होके कंपैरेटर डिटेक्टर में जाता है. अगेन द थिंग्स आर गेटिंग प्रोसेस, कंपेयर होता है, डिटेक्ट होता है, एरर को हटाया जाता है, कंट्रोल एक्शन को भेजा जाता है. एंड दिस इज हाउ द आउटपुट द कंट्रोल्ड और द डिजायर्ड आउटपुट इज रिसीव्ड. ठीक है, ऐसे ही हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमको मिल जाता है. नाउ दी नेसेसिटी ऑफ कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम में उस समय की है जब हम लोग को एकदम स्टैंडर्डाइज और मैकेनाइज और मतलब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे आउटपुट की रिक्वायरमेंट है. लेकिन अगर डे टू डे लाइफ की बात करें जहाँ पर हम लोग को सिर्फ इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत है, तो वी कैन गो फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. एंड जैसे कि नल का पानी अगर हमको निकालना है तो हम लोग अगर उसका नल को खोलते हैं और हमको पानी मिल रहा है तो दैट इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. लेकिन अगर हम लोग को गर्म पानी की ज़रूरत है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक गीज़र का इस्तेमाल करते हैं और गीज़र के थ्रू फिर हमको एक और पाइपलाइन के थ्रू हमको पानी मिल जाता है. ठीक है, और अगर हम लोग को किसी जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल हमको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एक अगर कांस्टेंट वोल्ट आउटपुट वोल्टेज हम लोग को डीसी जनरेटर में जनरेट करना है तो अगर आउटपुट वोल्टेज में हम लोग एक फीडबैक एलिमेंट लगाएंगे और फीडबैक एलिमेंट को हम लोग वापस एक कंपैरेटर को हम लोग वहाँ कनेक्ट कर देंगे जिससे कि हम लोग को अगर आउटपुट वोल्टेज में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता है तो हमको आउटपुट प्रॉपर मिल जाता है और हम लोग जो चाहते हैं वो आउटपुट हमको मिल जाता है. तो नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे देर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज वेरिएबल एंड दूसरा सेकंड थिंग इज द कांस्टेंट. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द प्रोसेसर जिसमें कि जो कि जिनके वैल्यूज जो हैं जिनका मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी होता है. और कांस्टेंट ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ठीक है, जो वेरी नहीं करता टाइम के साथ. सो ये जो वेरिएबल्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब हम लोग कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे. तो अगर हम लोग उसके डेफिनेशन में जाएं तो क्या है, वेरिएबल्स आर द प्रोसेस और द कंडीशंस विच चेंजेस आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई प्रोसेस या कंडीशन चेंज होती है टाइम के साथ तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं. और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर. ठीक है, तो दिस इज दी जैसे कि टेम्परेचर हमारा समय के साथ बदलता है और प्रेशर हमारा बदल समय के साथ बदलता है. दिस आर दी एग्जांपल्स. अब अगर हम लोग बात करें सर्वो मैकेनिज्म इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज नहीं होता बट ऑल्सो ये इम्पोर्टेंट है एज फार एज योर
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स आर कंसर्न, तो सर्वो मैकेनिज्म क्या है? अगर डेफिनेशन से जाएं तो सर्वो मैकेनिज्म हम लोग देख सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सर्वो और दूसरा है हमारा मैकेनिज्म। मतलब ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सारी चीज़ें एक साथ कंट्रोल होकर एक डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करती है। मीन्स लाइक हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग को बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क कराना होता है, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सर्वो मैकेनिज्म को। अगर हम लोग डेफिनेशन में जाए तो सर्वो मैकेनिज्म क्या है? इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक टाइप का बाय डेफिनेशन, अगर हम लोग जाने की कोशिश करें बाय डेफिनेशन, सो सर्वो मैकेनिज्म जो है, सर्वो मैकेनिज्म इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट। एक प्रकार का एक ऐसा टाइप ऑफ हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है, इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट के डिवाइस है, बट बाय द टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क it should be called as complete system or servo। इसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं complete system या servo, हम इसको कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ coordinated way में इसमें काम करती है। जैसे कि इन ऐसे कंट्रोल सिस्टम में एक सर्वो मैकेनिज्म जो होता है, इसको हम लोग कभी कभी क्या किसके नाम से बोलते हैं, सर्वो के नाम से इसको हम लोग कहते हैं। ये क्योंकि इट इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस, इट इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस, ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि निगेटिव फीडबैक्स एरर्स को सेंस करता है, उसको करेक्ट करता है और फिर हमको इस पोजीशन पे देता है कि हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो इंश्योर करता है कि हम लोग एक जो डिज़ायर्ड आउटपुट है उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग अचीव कर रहे हैं। ये जो टर्म है, ठीक है, ये उन्हीं सिस्टम को अप्लाई किया जाता है जहाँ फीडबैक और एरर करेक्शन सिग्नल हमारा एक मैकेनिकल पोजीशन से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग स्पीड गवर्नर की बात करें, जैसे कि हमारी गाड़ियों में अच्छा स्पीड गवर्नर रहता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड से तक हम लोग पहुँच जाते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपनी कार को, तो अगर मैं 110 किलोमीटर पावर पर आर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड अप करूँगा तो एक स्पीड गवर्नर लगे रहता है गाड़ियों में जो कि उस स्पीड को गवर्न करता है और बोलता है कि यू आर गेटिंग इनटू द हाई स्पीड, इट इज़ एन अलार्म कि नाउ द कंट्रोल एलिमेंट्स या कंट्रोल एक्शंस जो हैं वो उतने कारगर साबित नहीं होंगे, सो डाउन योर स्पीड सो दैट ज़्यादा वियर एंड टियर आपका इस सिस्टम में नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वॉज द सर्वो मैकेनिज्म दैट वॉज इन द टॉपिक ऑफ आर्स। अब हम लोग ये देखेंगे गाइज कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो थ्री टाइप्स ऑफ सर्वो मैकेनिज्म है, तो ये है टाइप जीरो, टाइप वन और दूसरा है टाइप टू। तो अगर हम लोग इसको, आप लोग पहले भी आप लोग देखे होंगे, मैंने आप लोगों को नोट्स दिया है, अगर आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे
नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाउ दिस टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू सिस्टम्स जो हैं हमारे वर्क करते हैं हमारे सिस्टम में। सो जो हमारा ये है टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू के डायग्राम्स के अगर हम लोग जाएं तो देखिए डायग्राम्स में हम लोग अगर जाएं तो टाइप जीरो का सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो टाइप जीरो का जो हमारा डायग्राम है उस पे हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो कंट्रोल्स एक्शन होता है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाता है और हम लोग उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। सो दिस टाइप टाइप मैंने आप लोगों को हिंदी के जो नोट्स दिए हैं उसमें हम मैंने टाइप जीरो टाइप वन और टाइप टू तीनों टाइप के डायग्राम्स को आप लोगों को ड्रॉ करके बताया है। तो यू रिफर दी हिंदी नोट्स चैप्टर 8 IC जो कि मैं फिर से आप लोगों को एक बार और शेयर कर दूंगा सो दैट आप लोग उस चीज़ को प्रॉपरली एग्जामिन कर लें और समझ लें। सो दिस इज व्हाट इज दी चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा यहीं पर एंड अप होता है गाइस। इसका नोट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। सो अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे डेट विल बी दी चैप्टर नंबर दैट विल बी चैप्टर नंबर आपका 7 दैट इज टेलीमेट्री। टिल देन थैंक यू।